In this session, we're going to study about what happens when a man is truly converted. और आज सुबह जो हम अध्ययन करना चाहते हैं वो ये है कि जब एक व्यक्ति सचमुच में मन फिरा लेता है, पश्चाताप करता है और परिवर्तित होता है, तो फिर क्या होता है? This is extremely important. ये बहुत ही अधिक अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है. Because today, even the evangelical world has a very superficial view of conversion. क्योंकि आज इस संसार में जो लोगों का विचारधारा है वो परिवर्तन का एक बहुत ही विचित्र प्रकार का है. People talk about making their decision. लोग निर्णय लेने के बारे में बात करते हैं. And we have reduced the magnificent work of conversion down to nothing more than a human decision. हमने उस परमेश्वर के उस महान कार्य को जो मन परिवर्तन का है उसको घटाकर एक छोटे से स्थान में लाकर रख दिया है. But we're going to see that conversion is a supernatural work of God. हम इस बात को देखना चाहते हैं जो मन परिवर्तन है या परिवर्तन है वो परमेश्वर का एक अलौकिक कार्य है. By which the very nature of a man is changed. और ये जो स्वभाव है मनुष्य का वो पूरी रीति से परिवर्तित होता है. And he literally becomes a new creature. और वो एक वास्तविक रीति से नई सृष्टि बनता है. Now I am not using poetic language. मैं किसी भी प्रकार से वो राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं. I mean he really becomes a new creature. मेरा जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है और वास्तविक है कि वो एक नई सृष्टि बनता है. And the evidence of conversion is that a person begins to walk in a completely different way. और ये मन परिवर्तन का जो परिणाम है वो ये है कि मनुष्य पूर्णतः एक नई रीति से जीवन व्यतीत करने लगता है. How powerful is conversion? कितना अधिक ये मन परिवर्तन सामर्थ्य है. I believe it demonstrates more of the power of God than the very creation of the universe. कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से कहीं अधिक बढ़कर वो सृष्टि जो परमेश्वर की है उसको प्रदर्शित करता है. I'm not exaggerating. मैं किसी भी प्रकार से इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं. When you truly understand conversion, जब आप उस मन परिवर्तन को पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं, you are literally amazed at what God has done. और तब आप बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है. Let's go to Ezekiel 36. आइए हम यज़केल उसके 36 अध्याय में जाएंगे. And we're going to begin in verse 22. और हम 22 पद से आरंभ करेंगे. We're just going to take this verse by verse. और हम इसको एक पद के बाद दूसरे पद के रूप में लेंगे. यज़केल 36 अध्याय और 22 पद से. Well, let's go ahead and read verse 22 and 23 because they go together. हम इस 22 और 23 पद को जो एक साथ है इनको साथ मिलकर पढ़ेंगे. इसलिए इसराइल के घराने से कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, मैं तेरे निमित्त नहीं पर अपने उस पवित्र नाम के कारण कुछ करने पर हूँ जिसे तुमने उन जातियों के मध्य अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए. मैं अपने महान नाम को पवित्र सिद्ध करूँगा जो जाति जाति के मध्य अपवित्र किया गया है और जिसे तुमने उनके मध्य अपवित्र किया है. जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे मध्य अपने पवित्र नाम को सिद्ध करूंगा तब जाति जाति जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, प्रभु यहोवा की वाणी है. Now I want us to look at the first statement here. मैं पहले कथन चाहता हूं कि आप पहले कथन पर ध्यान दें. He said, "It is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act." वो ये कह रहा है कि इस्राएल के घराने कहे कि प्रभु मैं तेरे निमित्त नहीं कि मैं अपने पवित्र नाम के कारण कुछ करूं. Now just listen to that. ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान से सुनिए. He's going to save Israel. वो इसराइल को बचाने के लिए तैयार है. But he says that he's not going to do it for Israel's sake. लेकिन वो उसको बचाने के लिए वो स्वयं इसराइल के लिए नहीं है. Now that is very important. और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. What he is saying is this. यहां पर जो कह रहा वो ये है. First of all, salvation is not primarily about you. पहली बात
जो उद्धार है वो प्राथमिकता रूप में आपके लिए नहीं है. God's work of salvation has a greater purpose than even saving you. कि परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य है वो एक और भी अधिक बढ़कर उसके पीछे उद्देश्य है जो वो आपको बचा रहा है. Does that make you angry? क्या आपको ये क्रोधित कर रहा है? Are you saying no? I want him to do it all for me. नहीं, मैं इसको चाहता हूँ कि मेरे लिए हो. Because that's the way most people are today. और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग आज हैं. They think they ought to be the most important. और वो ये सोचते हैं कि उन्हें बहुत विशिष्ट व्यक्ति बनना है. And God should do everything for them. और परमेश्वर को उनके लिए सब कुछ करना है. It's all about me. ये सब कुछ मेरे लिए. No, it's not. ऐसा नहीं है. It's all about God. ये सब कुछ परमेश्वर के लिए है. And it's all about His glory. उसकी महिमा के लिए है. And that's a good thing. और ये अच्छी बात है. Another thing that this means is, दूसरी बात जो इसका अर्थ ये है वो ये है, God's not saving you because of you. परमेश्वर आपको आपके स्वयं के कारण नहीं बचा रहा है. But he is saving you in spite of you. कि लेकिन वो आपको आपसे अलग हटकर बचा रहा है. Let's say that God is sitting on his throne. ये ध्यान दीजिए, सोचिए कि परमेश्वर जो है सिंहासन पर विराजमान है. And he's looking for a reason to save you. और वो एक कारण देखना चाह रहा है जिस कारण से वो आपको बचा ले. Will he find a reason in you? क्या वो आप में कोई ऐसी बात देखेगा जिसको कारण वो आपको बचाए? No, he will नहीं, not. नहीं. Will he find some virtue or merit in you? क्या आपके अंदर कोई गुण होगा या कोई ऐसी श्रेणी होगी जिसको देखकर वो आपको बचाए? No. नहीं. The Bible says we're all sinners. परमेश्वर का वचन कहता है हम सब पापी हैं. Looking at us, God does not find a reason to save us. हमें देखने के द्वारा परमेश्वर कोई भी ऐसा कारण नहीं पाता जिसके कारण वो हमें बचा ले. But he finds a reason to condemn us. लेकिन वो हमारे जीवन में वो बातों को देखता है जिसके द्वारा वो हमें दोषी ठहराए. So if God is going to save us, the reason has to come from him. अगर परमेश्वर इसलिए आता, परमेश्वर हमें अगर बचाना चाहता है तो कारण उसकी ओर से आना है. So why does God save us? और इस अतः क्यों परमेश्वर हमें बचाता है? There's a few reasons. कुछ कारण है. First of all, God is love. पहली बात, परमेश्वर प्रेम है. But that's not a love that we deserve. लेकिन वो प्रेम के हम योग्य नहीं, हम लायक नहीं है. It's not that God saw something beautiful in us and it drew out his affections toward us. ऐसी बात नहीं कि उसने कोई बहुत अच्छी चीज हमारे जीवन में देख ली है और उसके कारण वो हमारे प्रति आकर्षित हो गया है. God loves us because God is love. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है. In Deuteronomy chapter 7 we learn something quite amazing. व्यवस्था विवरण उसके 7 अध्याय में हम कुछ अद्भुत बात को इस तरह सीखते हैं. He tells Israel why he saved them. वो इसराइल से बताता है क्यों उसने उनको बचा लिया. He said it was not because of you, Israel. वो कहता है इसराइल तुम्हारे कारण नहीं. Because you were the smallest of the nations. क्योंकि तुम सब थोड़े उन सब में से थोड़े थे. But I loved you. लेकिन मैंने तुमसे प्यार किया. Because I loved you. क्योंकि मैं यहूदियों से प्यार करता हूँ. He's saying I loved you because I chose to love you. क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मैंने तुम्हें चुना. Even though you did not deserve to be loved. Yet pe tum is yogya nahi the, is layak nahi the ki tumhe prem kiya jaye. Now I want you must understand this. Main chahta hu ki aapko isko samajhna anivarya hai. When God looks at man, he finds no reason to save him. Ki jab parmeshwar manushya ki or dekhta hai to usko koi aisa karan nahi milta uske andar ki usko bachaye. But only to condemn him. Keval usko doshi thehraye. If God is going to save us, it's because of something in Him. यदि परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, तो इसका कारण यह है कि कुछ उसके अंदर है. He saved us because He loved us. उसने हमें बचाया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया. He loved us because He chose to love us. उसने हमसे प्रेम किया क्योंकि उसने हमसे प्रेम करने को चुना. But there's another reason why He saved us. लेकिन एक और कारण है क्यों उसने हमें बचा लिया. If you look in verse 23, he says, I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst.
मैं अपने महान नाम को 23 पद मैं अपने महान नाम को पवित्र सिद्ध करूंगा जो जाति जाति के मध्य अपवित्र किया गया है. Then the nations will know that I am the Lord. ताकि जाति जाति जान लेगी कि मैं यहोवा हूं. In verse 22, he says that he's saving for his own name, or for the sake of his own name. वो 22 पद में कि वो मैं बचा रहा अपने स्वयं के नाम के कारण. God has saved you because he loved you. परमेश्वर ने आपको बचाया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. It was a sovereign love based on his choice. उसके चुनाव के प्रति वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है. But God is also saving you to demonstrate his glory. लेकिन वो हमें इसलिए भी बचाता है ताकि वो अपनी महिमा को प्रदर्शित करे. To demonstrate his power. कि अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करे. To show how great he is. वो दिखा सके कि कितना महान है. For this reason, when God begins a work of salvation, it doesn't fail. और इसी कारण से जब उसने परमेश्वर ने उद्धार के कार्य को आरंभ किया वो असफल नहीं हुआ. When he begins to save a man, he continues to save that man. जब वो व्यक्ति को किसी को बचाने का कार्य आरंभ करता है वो निरंतर उस कार्य को बचाने के कार्य करता है. And he will finish saving that man. और उस मनुष्य के उस बचाने के कार्य को पूर्ण करता है. Because he is saving that man to demonstrate how powerful he is. क्योंकि वो इस प्रकार से उस बचा रहा है ताकि दिखा सके कि कितना अधिक वो सामर्थ्य है परमेश्वर. That's why he's not going to lose anyone he begins to save. इसी के लिए वो किसी को भी खोने नहीं चाहता जिसको बचा रहा है. Do you see that? आप क्या देख रहे हैं इस बात को? It's an amazing truth. ये एक अद्भुत सत्य है. Now, what happens when God saves someone? क्या होता है जब परमेश्वर किसी को बचाता है? Let's read verse 24. आइए हम 24 पद को पढ़ेंगे. क्योंकि मैं तुम्हें जाति जाति और देश देश में से इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे तेज देश में तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा. This is a beautiful illustration of separation. ये एक बहुत ही सुंदर अलगाव का उदाहरण है. When God saves someone, he separates them out of the world and he draws them to himself. जब वो किसी को बचाता है, तो वो उस व्यक्ति को संसार से अलग करके अपनी ओर खींच लेता है. One of the evidences that you have been saved is that God has taken you out of the world. एक जो प्रमाण है बचाए जाने का वो ये है कि परमेश्वर ने आपको संसार से निकाल लिया है. You no longer live for the world, you live for God. कि आप उसके बाद आप संसार के लिए नहीं जीते हैं लेकिन आप परमेश्वर के लिए जीते हैं. Now listen to me. आप मुझे ध्यान से सुनिए. Especially you young preachers. खास तौर से विशेषकर आप जो जवान प्रचारक हैं. The old preachers used to talk about this all the time. जो वृद्ध प्रचारक हैं वो हमेशा इस प्रकार से बोला करते थे. But young preachers don't talk about this enough. लेकिन जो नए प्रचारक अब जवान युवा प्रचारक हैं वो इस बात पे ज्यादा बात नहीं करते. One of the evidences of conversion is holiness. जो मन परिवर्तन या पश्चाताप का जो एक बड़ा परिणाम है वो पवित्रता है. Although the believer lives in the world, यद्यपि विश्वासी लोग इस संसार में रहते हैं, when God saves him, he begins to pull him out of the world. जब वो उसको बचाता है, तो उसको संसार से वो खींच लेता है. And little by little, because of God's work, वो परमेश्वर के कार्य के द्वारा धीरे-धीरे, that Christian is going to be pulled out of worldliness. वो उस संसारिकता से वो मसीह खींच लिया जाता है. And is going to become more and more devoted to the things of God. और तब वो अधिक से अधिक परमेश्वर की चीजों में समर्पित होता चला जाता है. He who begins a good work in you will finish it. जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा. This is the will of God for you, your sanctification. ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पवित्र बनाए. Now this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है.
It does not mean that the moment a person is saved, they become a mature and holy Christian. इसका मतलब ये नहीं कि जिस क्षण में एक मनुष्य बचाया जाता है, उसी समय वो पवित्र और परिपक्व बन जाता है. But it does mean you will notice a work of sanctification beginning in their life. लेकिन इसका अर्थ ये है कि आप स्वयं इस बात पर ध्यान देंगे कि उस पवित्रीकरण का कार्य उसके जीवन में आरंभ होने लगता है. And God will continue working in their life. और परमेश्वर उसके जीवन में निरंतर वो कार्य को बढ़ाता जाएगा. Again, this is one of the evidences of conversion. पुनः ये एक मन परिवर्तन का परिणाम है. He says, I will take you out of that the nations and I will bring you into your own land. वो कहता है मैं तुमको उस जाति-जाति से निकाल करके अपने उस देश में ले जाऊंगा. And he will finish the work. और वही है उस कार्य को पूरा करेगा. If someone seems to begin to walk with Christ, और यदि कोई इस बात को देखता है कि वो मसीह के साथ उसने चलना आरंभ किया है, but they fall away, लेकिन वो फिर गिर जाता है, they remain in worldliness, वो फिर उसी संसारिकता में रहता है, they go back to the world, वो संसार में वापस लौट जाता है. God did not fail, परमेश्वर असफल नहीं हुआ. It is evidence they never were truly converted. इसका ये परिणाम ये है कि वे सचमुच में वास्तविक रीति से पूरी रीति से वो मन परिवर्तित होने नहीं किया. Just like in the parable of the sower, वो उस बीज बोने वाले के दृष्टांत के समान. One sprang up quickly. एक बहुत शीघ्र उत्पन्न हुआ. It seemed to be a real plant. ऐसा लगा कि बहुत सुंदर और सही वो पौधा है. But because of persecution, it fell away. लेकिन उस सतावनी के साथ वो दब गया, खत्म हो गया. Doesn't mean it lost its salvation. क्या उसने अपने उद्धार को खो दिया? It means it never had salvation. उसका मतलब ये है कि उसने कभी भी उस उद्धार को नहीं पाया. The true Christian will grow in holiness. कि जो सच्चा मसीह है, वो पवित्रता में बढ़ेगा. The true Christian will bear fruit. वो सच्चा मसीह फलों को उत्पन्न करेगा. Again, we must be careful. फिर से हमें सावधान होना है. Some Christians will simply grow faster than others. कुछ मसीह जो हैं, वो दूसरों से ज़्यादा तेज आगे बढ़ते हैं. Some have great difficulty and make little progress. कुछ लोग हैं उनके सामने कठिनाई होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. But they will make progress. लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ेंगे. Now, I want to show you something very important. मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको दिखाना चाहता हूं. When God brought Israel out of Egypt, जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला, Israel committed great sins against God. परमेश्वर के विरोध में इज़राइल ने बड़ा पाप किया. In one of those instances, God tested Moses. और एक दो स्थानों में परमेश्वर ने मूसा की परख की. He said, Moses, get out of the way. I'm going to destroy this nation. Musa, tu in logon se alag hat ja. Main is puri jati ko nash kar dunga. And I will make a nation out of you. Aur main tere dwara ek nayi jati banaunga. But listen to what Moses says. Lekin dhyan dijiye, Musa ne kya kaha? Lord, you can't do that. Ki Parmeshwar, aap aisa nahi kar sakte. Because your enemies will say, क्योंकि आपके शत्रु कहेंगे, that even though you were powerful enough to bring them out of Egypt, कि यद्यपि आप सामर्थ्य थे कि आपने उनको मिस्र से निकाल लिया, you were not powerful enough to bring them into their own land. लेकिन आप इतने अधिक सामर्थ्य नहीं रहे कि वो आप उनको उनके नए स्थान पे भूमि पे पहुंचा दें. Do you see that? आप देख रहे हैं. That's why when God begins a work, He's going to finish it. इसलिए जब परमेश्वर किसी के जीवन में कोई कार्य आरंभ करता है, वो उसको पूर्ण भी करता है. So that His name will be great among the nation. ताकि जाति-जाति में उसका नाम महान किया जाए. Now, listen to me. मेरे को ध्यान से सुनिए. When we teach a superficial gospel, जब हम अलौकिक सुसमाचार का प्रचार करते हैं, when we don't teach on holiness, और हम पवित्रता का प्रचार नहीं करते, when we don't practice church discipline, जब हम कलीसिया में अनुशासन के को व्यवहार में नहीं लाते, the church becomes filled with wicked carnal people. वो कलीसिया जो है वो सारी बुराइयों से भरी हुई संसारिक कलीसिया बन जाती है. And then the unbelievers look at that, और तब वो अविश्वासी देखते हैं,
And they accuse God. और तब वो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं. He was strong enough to save them. और वो इनका परमेश्वर तो उनको बचाने वाला था. But he is not powerful enough to change them. लेकिन वो इतना अधिक सामर्थ्य नहीं था कि उनको परिवर्तित करे. And the name of God is blasphemed among the nations. और तब उस सारे जातियों के बीच में परमेश्वर का नाम बदनाम किया जाता है. Now, Pastor, we need to be loving. पासबान लोगों, हमें प्रेमी होना है. We need to be compassionate to those who fall. हमें उनके प्रति जो गिरते हैं उनके प्रति दयालु भी होना है. And when we practice church discipline, it is not for punishment. ये जो हम कलीसिया में अनुशासन लाते हैं वो दंड देने के लिए नहीं है. But it is to put them out of the fellowship so that they can be restored. उनको कलीसिया से बाहर इसलिए किया था ताकि वो पुनः वापस आ सके. And we do everything with compassion and mercy. और सारी चीज हम उस तरस और उस दया में होकर करते हैं. But God's reputation is at stake. लेकिन God's reputation is at stake. लेकिन जो परमेश्वर के जो स्थान है, ये स्तर है, वो एक ऊंचा है. So when God saves someone, he begins a work of sanctification. जब परमेश्वर किसी को बचाता है तो वह पवित्रता का काम आरंभ करता है. Now let's talk about sanctification for a moment. आइए हम कुछ क्षणों के लिए पवित्रता, पवित्रीकरण पर बात करेंगे. What does it mean to be holy? पवित्र होने का अर्थ क्या है? Does it mean that you keep a whole bunch of rules? क्या इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारे नियमों को बना ले? Well, a holy man will be obedient to the commands. ये क्या वो जो पवित्र मैन पवित्र मनुष्य है वो उन सारी आदेशों का पालन करेगा? But that is not what holiness primarily means. इस प्राथमिक रीति से इसका पवित्रता का कारण ये नहीं है. The word in Hebrew means to cut. और जो इब्रानियों में जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है काटना. Imagine that you had a carrot on the table. आप ध्यान दीजिए, आपके पास आपके टेबल में गाजर रखी हुई है. You had a knife. आपके पास छुरी है. And as my wife does, you cut up the carrot really fast. और तब वो मेरी जैसी पत्नी करती है, उस गाजर को बहुत जल्दी जल्दी काटती है. And after she has a bunch of little carrots, she separates them away. और जब वो काट देती है तो वो उसको जो ढेर सारे कट जाते हैं तो उनको अलग कर देती है. So she does like this. She goes chop, 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 separate, cut, और, cut, separate. और तब वो इस तरह से काटते हैं, काटते हैं और अलग कर देती है, काटते हैं, काटते हैं और अलग कर देती है. The primary meaning of holiness is separation. और जो एक प्राथमिक आवश्यकता है पवित्रता की, पवित्रीकरण की, वो अलगाव है. Now separation requires that we leave something. और ये जो अलगाव है इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज को छोड़ते हैं. We leave our worldly practices behind. हम जो संसारिक क्रियाएं हैं उनको पीछे या अलग छोड़ देते हैं. But holiness doesn't just mean to leave something. लेकिन पवित्रता का मतलब यही नहीं है कि हम कुछ चीजों को छोड़ दें. It means to run to something also, to go to something. लेकिन उसका मतलब ये भी है कि हम किसी की चीज को छोड़ते हैं और किसी के पीछे चलते हैं. And you say yes, go to the commands of God. आप कहेंगे हाँ, हमें परमेश्वर के नियमों के पीछे जाना. No. नहीं. Go to the God of the commands. जिसने आदेश या निर्देश या आज्ञा दी है उस परमेश्वर के पीछे जाना है. Holiness means that you're devoted to a person. पवित्रीकरण का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित हो रहे हैं. You're devoted to God. आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हैं. There are people who are devoted to morality. कुछ लोग हैं जो नैतिकता के पर वो समर्पित होते हैं. But they're not devoted to the person of God. लेकिन वो परमेश्वर जो व्यक्ति विशेष है उसके ऊपर वो समर्पित नहीं है. We are devoted to a person. हम किसी व्यक्ति पर समर्पित हैं. And because of our devotion, we keep his commands. क्योंकि हम उस पे समर्पित हैं इसलिए हम उसके आदेशों का या आज्ञाओं का पालन करते हैं. Do you see the difference? आप एक भिन्नता को देख रहे हैं. Christianity is not primarily about morality. मसीहत जो है वो प्राथमिकता के रूप में वो नैतिकता नहीं है. Christianity is not about primarily living the right way. मसीहत प्राथमिक रीति से एक सही रीति से जीना नहीं है. Christianity is about being devoted in love with a person.
मसीह जो है कि प्राथमिक रीति से किसी व्यक्ति के प्रति उसके प्रेम में समर्पित हो जाना है. Being devoted to a relationship with a person. कि एक व्यक्ति के साथ संबंध में समर्पित हो जाना है. And that person is Jesus Christ. और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है. Then because of our devotion, we seek to obey his commands. हमारे समर्पण के कारण हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं. If you do not see it this way, you will be a legalist. अगर आप इस तरह को नहीं देखेंगे तो केवल आप तर्क में जीना व्यतीत करेंगे. And a moralist. और आप नैतिकता में रहेंगे केवल. But not a Christian. लेकिन आप मसीह नहीं होंगे. Do you see that? आप देख रहे हैं. Brothers, sisters. भाई बहनों. We follow a person. हम एक व्यक्ति के अनुयायी हैं. Do you see that? आप देख रहे हैं. The Muslims follow rules. Muslim जो हैं वो नियमों का पालन करते हैं. The Pharisees follow rules. फरीसी नियमों का पालन करते हैं. The Hindu follows a way of life. वो हिंदू जो हैं वो जीवन के जो तरीके हैं उनको का अनुसरण करते हैं. The Christian follows a person. लेकिन मसीह जो हैं वो एक व्यक्ति का अनुसरण करते हैं. Not just the law of God. परमेश्वर के मात्र नियमों को नहीं. But God Himself. लेकिन स्वयं परमेश्वर को. Do you see how wonderful that is? आप ध्यान दे रहे हैं कि कितना अच्छा है, अद्भुत है ये. Again, it goes back to that relationship with the Holy Spirit. फिर ये पुनः ये उस पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है उसकी ओर वापस जाता है. I love the commands of God. मैं परमेश्वर के आज्ञाओं से प्यार करता हूँ. I meditate on the law of God. मैं परमेश्वर की व्यवस्था और वचन पर मनन करता हूँ. But I didn't get up this morning in order to read the law of God. मैं इसलिए नहीं सुबह उठा कि मुझे परमेश्वर के वचनों को या नियमों को पढ़ना है. I got up this morning, praise God, to talk to a person. मैं इसलिए उठा ताकि मैं एक व्यक्ति से बात करूं और उसकी स्तुति करूं. And to hear from a person in his word. और उसके वचन से मैं सुनूं. And I walked out the door intending to follow a person today. और मैं उस व्यक्ति के पीछे चलना चाह रहा हूँ ताकि उसको मैं अनुसरण करूँ. That's what we mean by the presence of Christ. और यही मसीह की उपस्थिति का कारण अर्थ है. Do you see how freeing that is? आप देखिए कितना इसमें अलग है. How beautiful it is. कितना सुंदर है ये. It's absolutely amazing. ये अद्भुत है. I can follow Jesus. मैं यीशु का अनुसरण कर सकता हूँ. Just like the apostles. जिस प्रकार से प्रेरितों ने किया. Just like the early Christians. जिस प्रकार से प्रारंभिक मसीहों ने किया. When I sit down and read the Bible. मैं क्यों बैठकर परमेश्वर के वचन को बाइबल को पढ़ता हूँ. It's as though Jesus is sitting on the hill teaching a multitude. जैसे जैसे यीशु मसीह उस पर्वत पर बैठ करके उस भीड़ को सिखा रहे हैं. And I'm there. और मैं भी वहां पर हूँ. Do you see that? आप देख रहे हैं इसको. Looking at a person. एक व्यक्ति को देखिए. All right, well, let's go on. आइए हम आगे बढ़ेंगे. He says in verse 25, then I will sprinkle clean water on you and you will be clean. 25 पद में तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे. And I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. मैं तुम्हें सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा. Now before we even look at this, brother, there's a promise here that's amazing. ये इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है जिसको मैं देख रहा हूँ. He says, "I will cleanse you from all your filthiness and from all your और idols." और कह रहा है कि मैं तुम्हें सारी अशुद्धता से और मूर्तियों से तुम्हें शुद्ध करूँगा. All of us must deal with sin. हम में से प्रत्येक को पापों से एक गंभीरता से व्यवहार करना है. And there are some sins in our life that seem to be overcome rather quickly. और कुछ पाप हैं जिन पर हम बहुत शीघ्रता से विजय प्राप्त कर लेते हैं. But then many of us struggle with sins that are very difficult to get out of our life. लेकिन कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनसे हम संघर्ष करते हैं, वो हमारे जीवन से बहुत मुश्किल से दूर होते हैं. There are probably some sins that you have struggled with since you were a believer. और शायद ऐसा भी पाप होगा आपके जीवन में जब से आप विश्वासी बने उस समय से आप संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ. And you may wonder to yourself,
और आप अपने बारे में सोचते होंगे am I going to have to be this way the rest of my life क्या मैं इसी तरह से इस पाप में मैं पूरे जीवन भर चलता रहूंगा am I never going to get freedom from this क्या मैं इससे कभी भी स्वतंत्र नहीं होऊंगा आजाद नहीं होऊंगा he will cleanse you from all your filthiness and from all your idols यहां पर प्रतिज्ञा है कि वो सारी अशुद्धता और मूर्तियों से तुम्हें शुद्ध करेगा that doesn't mean that the christian will become sinless before he goes to heaven इसका मतलब ये नहीं कि मसीह जो है इससे पहले कि वो स्वर्ग में जाए वो पाप रहित हो जाएंगे but it does mean that the christian can really make some progress lekin iska matlab ye hai ki masih jo hai nishchay hi kuch aage badh sakte hain and can experience the freedom of the power of god ki wo parmeshwar ki samarth ki us swatantrata ko azadi ka anubhav kar sakte hain now before we go on let me say this isse pehle ki hum aage badhe mujhe kehne dijiye I don't know if you have these kind of people here in India मुझे नहीं मालूम कि क्या इस प्रकार के लोग आपके भारत देश में हैं या नहीं But there are some people in the United States that call themselves Christians कि लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह बोलते हैं And they believe that they have lived without sin for 15 or 20 years और वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो बिना पाप के 15-20 साल तक वो रहे हैं And they honestly believe that और वो सच्चाई के साथ इस बात पर विश्वास करते हैं I met a man 2 years ago told me he hadn't sinned and I don't know how many years मैं एक व्यक्ति से मिला हूं उसने कहा कि मैं कितने साल तक बिना पाप के रहा Now there are two extremes ये दो एक सीमा है जो अलग-अलग हैं Those like the man I just described एक सीमा यह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया But the other extreme is those who believe that when you become a Christian you just keep sinning और दूसरी सीमा यह है जो लोग कहते हैं अगर तुम मसीह बन जाते हो तब भी तुम पाप कर सकते हो This man is wrong ये व्यक्ति गलत है But so is this man इस व्यक्ति यह भी गलत है And I can prove it और मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं One time someone asked me what is the greatest sin you can commit और किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सबसे बड़ा पाप जो आप जिसको कर सकते हो कौन क्या है That's a good question ये अच्छा प्रश्न था What's the worst sin you can commit कौन सा सबसे बुरा या सबसे खराब पाप है जिसको आप कर सकते हैं And I thought for a moment मैंने कुछ क्षण सोचा मैंने And then I said well मैंने कहा अच्छा I guess the worst sin is breaking the greatest commandment और मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा पाप ये है कि सबसे बड़ी आज्ञा को तोड़ना What is the greatest commandment? इसका सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? To love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. अपने परमेश्वर के साथ पूरे मन से पूरे हृदय से शक्ति से इच्छा से प्यार करना. In other words, to love God exactly as God deserves. कि इस दूसरे रूप में परमेश्वर से प्यार करना ठीक उसी रीति से जिस रीति से वो योग्य है. You've never done that. आपने ऐसा नहीं किया Neither have I. मैंने भी ऐसा नहीं किया You have never loved God as God deserves. मैंने और आपने ऐसा प्रेम नहीं किया जैसे वो जिसके योग्य वो है If you say you have, you've almost blasphemed. अगर आप इस प्रकार से कहते हैं तो इसका मतलब आप उसको ठट्टा मोड़ रहे हैं Do you see that? आप देख रहे हैं None of us are perfect. हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है We will struggle with sin. हम पाप से संघर्ष करते हैं And the more holy you become, और जितना अधिक आप पवित्र बनते हैं the more sins will be revealed to you. उतने अधिक पाप आपके सामने आपको दिखाई देंगे But brothers, we can make great progress in holiness. मैं मेरे प्रियो लेकिन हम उस पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं And we should make great progress. और हमें उसमें आगे बढ़ना भी चाहिए Now I want you to see something that comes out very clearly in the text. और इस स्थल में मैं उस बात को दिखाना चाहता हूं बहुत ही स्पष्टता के साथ आ जाए. I want you to look at the personal pronoun I. और मैं आपको चाहता हूं कि आप उस एक व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत रीति से शब्द इस्तेमाल हो रहा है मैं के साथ उसको देखिए. Look in verse 24. 24 पद में. God says I will take you from the nations. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा. Verse 25. 25 पद. I will sprinkle clean water on मैं you. मैं शुद्ध जल तुम पर छिड़कूंगा. I will cleanse you from all your filthiness. मैं तुम्हारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा. Verse 26. I will give you a new heart. मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा 26 पद में.
I will remove your heart of stone. मैं पत्थर का हृदय मैं तुम्हारे हृदय से बदलूंगा. I will give you a heart of flesh. मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा. I will put my spirit within you. मैं तुम्हारे हृदय में आत्मा डालूंगा. And I will cause you to walk in my commandments. और मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि तुम मेरे विधि पर चलो. The sovereign Lord says he's going to do all this. और वो महिमित परमेश्वर इस बात को कह रहता है वो करने के लिए तैयार है. And he's going to do it. और वो करने के लिए तैयार है. Because his name, his reputation is riding on it. क्योंकि उसका नाम और वो इस पे लिखा जा रहा है. Do you see that? आप इसको देख रहे हैं. That's amazing. ये अद्भुत है. Jesus is not seated on his throne in heaven worrying and crying. वो परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर यीशु सिंहासन पर बैठकर चिंतित और दुखी और रो नहीं रहा है. He's not saying, "Oh, I want my people to be holy, but they won't cooperate." और वो ये नहीं कह रहा है रोते हुए, "ओ मैं अपने लोगों ले जाता हूं वो पवित्र हो लेकिन वो मेरे साथ किसी भी तरह समझौता नहीं कर रहे हैं." No, Jesus is seated there on the throne. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है. And he says, "For my own glory." वो कहता है मेरी महिमा के लिए. I am going to save a people. मैं अपनी महिमा के लिए लोगों को बचाना चाहता हूं. I am going to take them out of their land. मैं उनको इस जाति से निकालूंगा. I am going to clean them off. मैं उनको शुद्ध बनाऊंगा. I am going to change their heart. मैं उनके हृदय को बदलूंगा. I am going to put my spirit in them. मैं उनके हृदय में आत्मा डालूंगा. I am going to cause them to walk in my commandments. मैं उनको योग्य बनाऊंगा कि वो मेरी आज्ञाओं का पालन करें. For my glory. मेरी महिमा के लिए. Do you see that? आप देख रहे हैं. God is saving you for his own glory. He's not going to fail. परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए बचा रहा है और वो इसमें असफल नहीं होगा. It's the power and the sovereignty of God. ये परमेश्वर की सामर्थ्य है और परमेश्वर की अलौकिकता है. He does whatever he wants to do in the heavens and the earth. जो कुछ वो चाहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी पे करता है. Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. I was raised on a farm. मैं एक खेत में मेरा मेरा लालन पालन हुआ. And I was always out in the fields and I was always dirty as a little boy. और मैं हमेशा खेत में रहा करता था और मेरे कपड़े और मैं हमेशा उसी खेत के कारण गंदे होते थे. I would have dirt everywhere. और हर जगह धूल और वो सारी चीज रहती थी. Dirt here. यहाँ पर धूल होती थी. In my neck, यहाँ पर मट्टी और धूल होती थी. Just totally dirty. वो सारा धूल और मट्टी सब लगी रहती थी. And one day when I was about 9 years old, और एक बार जब मैं लगभग 9 साल का था, I came in from the fields all dirty. और मैं पूरा उस खेत से गंदे की हालत में ऐसा आया. And my mom said, "Go take a bath." और मेरी माँ ने कहा कि जाके नहाओ. Well, I was 9 years old. और मैं तो 9 साल का था उस समय. I was a man. और मैं उस समय No one's going to tell me what to do. और किसी को मुझे नहीं कहना मुझे क्या करना है. And I said, "Mom, I'm not going to take a bath." और तब मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं नहाऊंगा नहीं. My mom looked at me. और मेरी माँ ने मुझे देखा. And all my courage just melted. और मेरा सारा जो साहस था जो मैं बोल रहा था जैसे उन्होंने देखा मैं बिल्कुल. She said, "You will take a bath." और तब उन्होंने कहा नहीं तुम्हें नहाना है. So I went in the bathroom. और तब मैं बाथरूम में गया. And I turned on a little bit of water. अब मैं थोड़ा सा पानी उस खोला. And I went like this. अब मैंने पानी को लेके यूं करा और थोड़ा सा साफ किया. And then I took a white towel and I dried off. और तब मैंने उस एक सफेद तौलिया को लिया और मैंने पोछा. And there was dirt all over the towel. और तौलिया में सारी जगह वो गंदी लग गए. And everything was going just fine. और सब कुछ ठीक हो रहा था. Until my mom walked through the door. और तब मेरी मम्मी उस समय तक जब मेरी माँ दरवाजे से अंदर नहीं आई. She looked at the dirt all over me. उसने मेरे सारे चेहरे पे धूल देखी थी. She looked at the towel that I had ruined. उन्होंने उस तौलिया को देखा जिसको मैंने गंदा कर दिया था. She grabbed me by the back of the neck. और उन्होंने मेरे गर्दन को पकड़ लिया. She put me in that bathtub. और उन्होंने नहाने वाले टब में मुझे डाल दिया. And she scrubbed me so hard that one layer of skin came off. और उन्होंने मेरे को इतना अधिक रगड़ा सफाई करी कि मेरे खाल उतरने लगी. When I came out of that bathtub, और जब मैं नहाने वाले टब से बाहर निकल कर आया, I had the Shekinah glory of God shining from me. और तब मेरे चेहरे पे वो महिमा चमक रही थी जो प्रभु की है. Let me ask you a question. अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा. Does my mom have more power than God? क्या मेरी माता के पास परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ है? No. नहीं. God says you will be clean. परमेश्वर कहता है कि तुम शुद्ध और पवित्र होगे.
I will cleanse you from your filthiness and your heart. वो कहता है कि मैं तुम्हें हमारी सारी अशुद्धता से गंदी से शुद्ध करूंगा. Now he does it by changing our heart. वो हमारे हृदय को बदलने के द्वारा करता है. He does it by putting his spirit within us. वो हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा को डालने के द्वारा करता है. But he also does it by discipline. लेकिन वो उसके साथ-साथ अनुशासन करने के द्वारा भी करता है. Hold your place for just a moment. इस स्थल पे अपना हाथ रख के रहिए. And go to Hebrews 12. और इब्रानियों के 12वें अध्याय में आइए. If someone would read for us verses 5 through 11. यदि कोई मेरे हमारे लिए 5 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ दे. इब्रानियों 12 5 से 11. और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गए हो. हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ, और जब वह तुझे छिड़के तो हताश न हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है. तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है. वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता? पर यदि वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे. फिर यह कि जब शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे तो हमने उनका आदर किया, तब क्यों ना आत्माओं के पिता का और भी अधिक अधीन रहें, जिससे कि हम जीवित रहें. क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा कि उन्हें उत्तम जान पड़ा हमारी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए हमारी ताड़ना करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं. सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है. फिर भी जो इसके लिए इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का सामुदायिक फल प्राप्त होगा. One of the greatest evidences that you are a child of God is God's discipline in your life. सबसे बड़ा जो प्रमाण है कि आप परमेश्वर की संतान है वो यह है कि परमेश्वर आपके जीवन को अनुशासित करता है. Look at verse 8. आठवें पद को ध्यान से देखिए. It says, if we are without discipline, then we are illegitimate children and not sons. वो ये कहता है कि यदि हम अनुशासित नहीं किए जाएंगे तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है लेकिन हम व्यभिचार की संतान है. Let's say that I'm your pastor. अब इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, मैं आपका पासबान हूं. And my wife and I come home very late from preaching one night. और एक रात को मैं अपने घर में मेरी पत्नी में देर में आते हैं. About 11 o'clock at night. होता है 11 बजे रात के. And when we're coming home, we see your 14-year-old daughter on the street corner. और जब हम चले आ रहे हैं तो होता है हमने आपके 14 साल की लड़की को सड़क पर देखा. And she's with a bunch of very, very rude and bad people. और वो कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो लोग अच्छे नहीं हैं. As the pastor, I'm going to pull up and I'm going to ask her to get in the car. और मैं उसको पासवान होने के नाते मैं उसको पकड़ूंगा और अपने कार में रखूंगा लाना चाहूंगा. Because my wife is with me. क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है. And I'm going to take her home. और मैं तब उस लड़की को लेकर उसके घर जाऊंगा. But I'm not going to be angry with her. लेकिन मैं उसे क्रोधित नहीं होऊंगा. I'm going to be angry with you. मैं उसके माता-पिता से क्रोधित होऊंगा. Her father. उसके पिता से. And I'm going to tell you that you are a derelict father. कि तुम ऐसे पिता हो जो सही नहीं हो. You have neglected your responsibility. तुमने अपने उत्तरदायित्व को अपने जिम्मेदारी को टाला है, पूरा नहीं किया. You are not watching over or caring for your children. तुम अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं कर रहे हो. Or if I see your child doing all kinds of horrible things in the church and you do nothing. और यदि आप मैं देखूं कि आपके बच्चे चर्च में कलीसिया में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे हैं. Again, I'm going to tell you, you are neglecting your duties. और तब फिर मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि आप अपने जिम्मेदारी उत्तरदायित्व को टाल रहे हैं. God is not a neglectful father. कि परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो पिता के चीजों को टाल दे, अनदेखा कर दे. In the United States, हमारे देश अमेरिका में something like 60% of the people claim to be Christians.
कि 60% जो लोग हैं वो अपने आप को मसीह होने का दावा देते हैं. The great majority of them live in ungodliness and unworldliness. लेकिन उसमें से अधिक जो प्रतिशत है वो अधार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं. With no discipline. किसी भी अनुशासन में नहीं. There are only two options. वहां दो बातें हैं केवल उनके लिए. God is a neglectful father. या परमेश्वर तो ऐसा है जो अनदेखा करने वाला पिता है. And does not do what he says. और जो कुछ कहता है वो नहीं करता. Or they are not Christians. या वो सच्चे मसीह नहीं है. Do you see that? आप देख रहे हैं. This is very important, brothers. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. One of the greatest expressions of God's love is that he will not let you run into wickedness. सबसे बड़ी बात परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने का कारण यह होता है कि वो आपको किसी भी रीति से यह अनुमति नहीं देगा कि आप दुष्टता का जीवन व्यतीत करें. He will not allow you to remain as you are when he saved you. जबकि परमेश्वर ने आपको बचा लिया है तो कभी भी आपको जैसे आप पहले थे वैसे ही आपको नहीं रहने देगा. You take a child. आप एक बच्चे को लेते हैं. And you neglect training that child and teaching that child. आप उस बच्चे को अनदेखा करते हैं उसको सिखाने के लिए उसको प्रशिक्षित करने के लिए. And you neglect disciplining that child. उसको अनुशासित करने के लिए आप अनदेखा करते हैं. You will have an unruly child. आपका वो जो संतान है आपके जो बच्चा है वो ऐसा रहेगा जो अनियंत्रित संतान है. And it will be your fault. और ये आपका दोष होगा. God does not neglect his duties as a father. परमेश्वर एक पिता होने के नाते अपने जो कर्तव्य हैं उसका अनदेखा नहीं करता. And look what it says here in verse 6. 6 पर में देखिए वो क्या कहता है. He says, "Those whom God loves, he disciplines." जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उनको अनुशासित करता है. And he scourges every son whom he receives. कि जिसको वो पुत्र बना लेता है उसके ताड़ना भी देता है कोड़े भी लगाता है. Brothers, God's discipline can be terrible. कि परमेश्वर का जो अनुशासन है वो भयंकर हो सकता है. Now it's always done in love. ये प्रेम में होता है. But it can be terrible. लेकिन ये भयानक हो सकता है. The word here, scourge, means to whip. और जो कोड़े लगाना है उसका ताड़ना देना मतलब है कि मारना है. There have been times in my life when God has truly disciplined me. मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने वह सच्चाई के साथ मुझे अनुशासित किया. And if you are a Christian, you can say the same thing. और यदि आप मसीह हैं आप भी इस बात को कह सकते हैं. Now, let me give you a good illustration from the Old Testament. पुराने नियम से हम एक अच्छे उदाहरण को देखेंगे. God says in Malachi that he loved Jacob and he hated Esau. उसने मलाकी में पुराने नियम मलाकी में कहा है परमेश्वर ने कि उसने याकूब से तो प्रेम किया ऐसाव से घृणा की. If you look at Esau's life, यदि आप ऐसाव के जीवन को देखें, you see the blessing of God. वो परमेश्वर की आशीष को देखेंगे. Every promise God made to Esau, he fulfilled. जो कुछ ही परमेश्वर ने ऐसाव के साथ प्रतिज्ञा की उसको पूरा किया. So how did God show hatred toward Esau? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने किस प्रकार से ऐसाव के प्रति उस घृणा को दर्शाया? He never disciplines Esau. उसने कभी भी ऐसाव को अनुशासित नहीं किया. He lets Esau continue on as Esau. कि ऐसाव को उसने आजाद कर दिया जिस रीति से वो अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते करे. It's like he sets him free. उसको आजाद कर दिया. Do what you want. जो कुछ करना चाहते करो. But let's look at Jacob. लेकिन याकूब को देखिए. Bible says that God loved Jacob. कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर याकूब से प्यार करता है. It seems that God beat Jacob almost every day of his life. कि आप ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने याकूब के प्रतिदिन ताड़ना दी उसके जीवन में. Do you see that? क्या आप देख रहे हैं? Everything that Jacob had to suffer. कि हर बात के लिए याकूब को कठिनाई का सामना करना पड़ा. So that when he returns to the promised land, he's limping. और जब वो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के देश में आया तो वो लंगड़ा रहा था. God broke him. उसके परमेश्वर ने उसको तोड़ा. God transformed him. परमेश्वर उसको परिवर्तित किया. So how does God demonstrate hatred? तो किस प्रकार से उसने अपनी घृणा को प्रकट किया प्रदर्शित किया? Even Romans 1 teaches us this. यहां तक कि रोमियों का पहला अध्याय भी हमें इस बात को सिखाता है. Greatest judgment that can fall upon man is when God turns him over and lets him go. कि जब सबसे बड़ा जो भयंकर
न्याय है वो उस समय जब परमेश्वर छोड़ देता है और कहता है जैसे भी तुम चाहो करो. So you see, discipline is an important part of learning how to be holy. और इसलिए अनुशासन एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जो हमारी सहायता करता है सीखने के लिए. And remember this word. और इस पद शब्द को याद रखिए. Verse 8. आठवां पद. If someone is in sin continuously without discipline, they're not a believer. और यदि कोई व्यक्ति निरंतर पाप में है बिना अनुशासन के तो इसका मतलब वो विश्वासी नहीं है. And they need to be warned. और इसलिए उनको उनकी ताड़ना की जानी है. Now we cannot look into someone's heart and determine whether or not they're saved. हम किसी के हृदय में जाकर नहीं देख सकते और नहीं निष्कर्ष सकते वो बचा या नहीं बचा. But if someone is living like an unbeliever, लेकिन यदि कोई अविश्वासी का जीवन व्यतीत कर रहा है and they are without discipline, और बिना अनुशासन के वो something we can observe, हम कुछ है जो उसको देख सकते हैं. We need to go to them and warn them. हमको जाना है और उनको उनको चुनौती चेतावनी देनी है उनको वार्न करना है. We can say this, हमें इस प्रकार से कहना है. I don't know your heart, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानता. I can't say you are or are not saved. मैं ये कहना चाहता हूँ तुम बच्चे हो या बच्चे नहीं हो. But I can tell you, you should be afraid. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें भयभीत होना है. You should be greatly concerned. तुम्हें एक आपके एक चिंता होनी है. Because the way you are living indicates you may be an unbeliever still. कि जिस प्रकार से तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो तुम इस बात को दर्शा रहे हो कि तुम अविश्वासी हो. Now let me say one other thing about discipline. और मैं एक और बात को इस अनुशासन के बारे में आपको कहना चाहूंगा. Discipline comes sometimes as a result of our sin. कई बार अनुशासन जो है वो हमारे पापों के परिणाम के कारण होता है. But discipline does not always come as a result of sin. लेकिन हमेशा हमारे पापों के परिणाम के कारण ही नहीं होता. God will discipline some of his holiest saints. कई बार परमेश्वर जो है अपने पवित्र संतों को भी अनुशासित करता है. Let me give you an example. मैं एक उदाहरण दूं आपको. When an athlete wants to become very strong, जब एक धावक जो है वो बहुत अधिक मजबूत बनना चाहता है, he lifts weights. वो वजन को उठाता है. And then what does he do? और तब उसके बाद क्या करता है? As time goes by, he puts on more weight. और जैसे समय बढ़ता रहता है वो और अधिक वजन बढ़ाता जाता है. And the more the opposition and resistance, the stronger he becomes. जितना अधिक उसका वजन बढ़ता चला जाता है, उतना अधिक वो और मजबूत होता चला जाता है. The more weight that's put on the bar causes him more pain. जितना अधिक उस पर वजन बढ़ता है, उसको दुख होता, उसको कष्ट होता, पीड़ा होती है. But in time, it makes him stronger. लेकिन एक समय आता है जिसमें वो और मजबूत हो जाता है. That's the same way with trials. इसी प्रकार से उस परख के समय में भी है. They're not always because you've done something wrong. हमेशा इसलिए नहीं कि आपने कुछ कभी गलत किया इसलिए ऐसा हो रहा है. It can be that God is training you for a greater purpose. हो सकता है कि परमेश्वर आपको इसलिए ऐसे ताना दे रहा है या आपको परख कर रहा है कि आप और अधिक उसके बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हो सके. We can see this down through church history. हम इस कलीसिया के इतिहास में इसको देख सकते हैं. Some of the people who were most holy, कुछ लोग थे जो बहुत पवित्र थे. And some of the people that were most used of God, बहुत सारे लोग थे जिनको परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ उपयोग किया. Seemed to suffer the greatest trials. लेकिन उनको बहुत अधिक सतावनी का सामना करना पड़ा. So I don't want you to think that every time you're disciplined, it's a result of sin. तो मैं इसलिए ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसा ना सोचें कि जब भी आपको कोई कष्ट हो तो आप ये कहें कि परमेश्वर की ताड़ना है. Now let's go back to Ezekiel. आइए हम Ezekiel में वापस जाएंगे. Now God is going to change us. परमेश्वर हमें बदलने जा रहा है. But he doesn't do it just by external discipline. लेकिन वो बाहरी अनुशासन के द्वारा नहीं करता. He makes us holy. वो हमें पवित्र बनाता है. And he causes us to walk in his commandments. और वो हमें चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर आगे बढ़े. Through the supernatural work he does in our heart. उस अलौकिक कार्य के कारण जो वो हमारे हृदय में कर रहा है. He says in verse 26.
26 पे पद में I will give you a new heart and put a new spirit within you. मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. Now what does this mean? इसका मतलब क्या है? Your heart refers to, like I said yesterday, the very control center of who you are. वो आपका हृदय जैसे कल मैंने बोला था कि वो इस बात को प्रदर्शित करता है जो आपके पूरे जीवन को केंद्रित करके नियंत्रित कर रहा है. It's the center of your intellect. वो जो आपका जितना ज्ञान और बुद्धि है उसका केंद्र बिंदु है. The center of your will and your emotion. आपके जो भावनाएं हैं आपके जो इच्छा है उनका वो केंद्र है. So he says, I am really going to change you. वो कह रहा है कि मैं वास्तव में तुम्हें बदलने जा रहा हूं. Sometimes a person will be living in sin. कई बार एक व्यक्ति जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है. And maybe you will say, you will rebuke them. आप उसको उसको शायद आप डांटेंगे. And they'll say, stop judging me. और तब वो कहेगा कि तुम्हें मुझे किसी प्रकार से मुझे आप मत परखिए जांचिए. You can't see inside my heart. आप मेरे हृदय के अंदर नहीं देखते हैं. In my heart, I love Jesus. मेरे हृदय में मैं यीशु से प्यार करता हूँ. We don't need to see inside their heart. हमें उनके हृदय के अंदर देखने की जरूरत नहीं है. Their heart is the very control center of who they are. क्योंकि उनका हृदय उनको नियंत्रित करता है जो वो है. If they're living like a wicked person, यदि वो दुष्टता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, and they continue in that as a lifestyle, और इसी प्रकार से उनके जीवन का ये चर्या बन गया है, it's a reflection of their heart. वो उनके हृदय का जो प्रदर्शीकरण है, they have not received a new heart. इसका मतलब उन्होंने नया हृदय नहीं पाया है. They have not received a new spirit. उन्होंने नया आत्मा नहीं पाया है. Now he goes on and he says, I will remove your heart of stone from your flesh. और तब वो कह रहा है कि मैं उस हृदय से पत्थर का हृदय निकालूंगा. And I will give you a heart of flesh. और मैं मांस का हृदय दूंगा. Now this is so important, brothers. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों. This is not poetry. ये कोई कविता नहीं है. This is real. ये वास्तविकता है. It's not just a metaphor that doesn't mean anything. किसी प्रकार से कोई अलंकार की भाषा नहीं है कि इसका कोई अर्थ नहीं है. If you are converted, यदि आप परिवर्तित हो चुके हैं, God has literally changed your heart. परमेश्वर ने आपके हृदय में वास्तविक रूप से हृदय को बदला है. And he's made you a new creature. और आपको उसने नई सृष्टि बनाया है. Now first of all, he says, I'll take out your heart of stone. पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा. Imagine a statue of a man. आप कल्पना कीजिए एक मनुष्य की एक मूर्त को. It's made out of stone. उसने पत्थर से बनाई गई है. I can punch it. मैं उसको मार सकता हूँ. I can pinch it. मैं उसको चुबा सकता हूँ. I can kick it. मैं उसको ठुकरा सकता हूँ. How is it going to respond? किस प्रकार से वो प्रतिक्रिया देगा? It's not going to respond. कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगा. It's dead. वो मरा हुआ है. It's stone. वो एक पत्थर है. That's the sinner's heart. यही एक पापी का हृदय है. It cannot respond to God. वो परमेश्वर के प्रतिक्रिया नहीं प्रतिक्रिया देगा. It is dead. वो मरा हुआ है. Do you see that? आप देख रहे हैं. What does God do? परमेश्वर क्या करता है? He takes out that heart of stone. वो हृदय के पत्थर के हृदय को निकाल देता है. Puts in its place a heart of flesh. वो मांस का हृदय डाल देता है. Now we have that statue of stone. हाँ, वो पत्थर की मूर्ति है. But let's imagine that we have a real man. लेकिन कल्पना कीजिए एक वास्तविक मनुष्य है. Flesh. वो जो देह में है. If I punch him, यदि मैं मारूं, he's going to respond. वो उसको प्रतिक्रिया देंगे. If I pinch him, he's going to respond. अगर मैं उनको चुबाऊं, वो भी प्रतिक्रिया देंगे. He's flesh. वो देह है. He's living. वो जीवित है. That's what God is saying. यही परमेश्वर कह रहा है. I'm going to take out your heart that will not respond to me. मैं तेरे तुम्हारे से हृदय को उस हृदय को निकाल दूंगा जो प्रतिक्रिया नहीं देता. And I'm going to put in its place a heart that will respond to me. मैं ऐसे हृदय को डालूंगा जो मेरे प्रति प्रतिउत्तर देगा. A living heart. वो जीवित हृदय. Do you remember your day of conversion? क्या आप अपने उस दिन को जिस दिन आप परिवर्तित हुए आप याद करते हैं? I remember that day. मैं उस दिन को याद करता हूं. I was dead to God. मैं परमेश्वर के लिए मरा हुआ था. And in one moment, it was I realized who Jesus is. पर बहुत ही क्षण में मैंने इस बात का एहसास किया यीशु कौन है. I wanted to follow him. और मैं तो उसके पीछे चलना चाहता था. I wanted to hear his word. मैं उसके वचनों को सुनना चाहता था. I became alive. मैं जीवित बन गया.
You see, that's how God ensures that we're going to grow in holiness. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमें निश्चय दिलाता है कि हम किस प्रकार से उसके पवित्रता में बढ़ेंगे. Now let me share with you something here. मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ और बांटना चाहता हूँ. Martin Luther wrote a book many years ago. Martin Luther ने एक बहुत वर्ष पूर्व एक किताब लिखी. Called Bondage of the Will. एक इच्छा का बंधन. Now, there's some great things in there. उसमें कुछ बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बातें. And I believe that they're brought out of Scripture. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि वो पवित्र शास्त्र से ली गई हैं. What was he trying to say? वो क्या कहना चाह रहा है? He was trying to say this. वो ये कहना चाह रहे हैं. Is man free? क्या मनुष्य आजाद या स्वतंत्र है? Does man have free will? क्या मनुष्य के अंदर स्वतंत्र इच्छा है? Well, the first thing I want you to see is this. पहली बात जो मैं आपको चाहूंगा कि आप देखें वो यह है. If we want to be very precise, यदि हम एक विशेष प्रकार के बनना चाहते हैं, God is the only being who is truly free. वही केवल परमेश्वर एकमात्र ऐसा है जो पूरी रीति से स्वतंत्र या आजाद है. His will is not shaped by another. किसी भी उसकी जो इच्छा है किसी दूसरे द्वारा निर्मित नहीं गई है. His will cannot be coerced or manipulated. उसकी इच्छा को किसी भी प्रकार से हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते. But yours has been. लेकिन मेरे और आपकी हुआ है. You and I aren't really free. हम मैं और आप हमेशा स्वतंत्र नहीं है. We talk about our different cultures. हम दूसरी संस्कृति के बारे में बात करते हैं. You may say, Paul Washer's an American. He can't understand us. और हम कह सकते हैं कि पॉल वॉशर जो है वो अमेरिकन है, इसलिए सारी चीजों को नहीं समझ सकते. Why do you say that? आप क्यों कहते हैं? Because I've been influenced by my country. क्योंकि मैं अपने देश के द्वारा मैं आकर्षित या प्रभावित हुआ हूँ. You have been influenced in your decisions by the place where you were raised. आप अपने जिस स्थानों में आप रहते हैं उसी क्षेत्र के हिसाब से उसी भाषा के अनुसार आप प्रभावित हुए हैं. So if you want to be real precise, no one is free. अगर आप वास्तविक रीति देखेंगे तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है. But here's the most important point. लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है. Your will is in bondage to your nature. आपकी जो इच्छा है वो आपके स्वभाव के बंधन में है. An evil man will to do evil things. और जो बुरा या दुष्ट व्यक्ति है वो बुरा या दुष्ट ही करना चाहेगा. Men are born with a radically depraved heart. मनुष्य जो है वो उस पाप के हृदय में जन्म लिया है. They are born with a sinful heart. वो उस पापपूर्ण हृदय में उन्होंने जन्म लिया है. And they choose to do sinful things. और वो उसी चीज का चुनाव करते हैं जो पापपूर्ण है. Why does a pig act like a pig? क्यों एक सुअर सुअर के समान प्रक्रिया करता है? Because it is a pig. क्योंकि वो सुअर है. It does what it is. क्योंकि जो है वो वैसे ही रहता है. The nature and the will go together. जो स्वभाव है और जो इच्छा है वो साथ चलती है. But not only the nature and the will, but also the affections. ना केवल वो स्वभाव और इच्छा लेकिन जो अफेक्शन है. A wicked man, एक दुष्ट व्यक्ति desires wicked things. वो उस बात की लालसा करता है जो बुरी है. And those desires move him to do wicked things. और उसकी जो अभिलाषा है वो उसको उस ओर धकेलती है कि वो बुरा करे. Do you see that? आप देख रहे हैं. Now what, when a person is saved, something miraculous happens. जब एक व्यक्ति बच जाता है तो एक आश्चर्यचकित कुछ बात होती है. God gives you a new heart. परमेश्वर आपको नया हृदय देता है. And that new heart has new desires or affections. और वो नया हृदय उसके अंदर नई इच्छा और नया लगाव होता है. And it drives you to do new things. और तब वो आपको उस नई ओर के ओर धकेलता है. That new heart is recreated in the righteousness of God. वो नया हृदय जो है परमेश्वर की धार्मिकता में सृजा क्या है. It now has righteous desires. अब उसके अंदर एक धार्मिकता की अभिलाषा है. And so it does righteous things. और इसलिए वो धार्मिकता की चीजों करता है. That it wants to do. और वो उस धार्मिकता के कार्य करना चाहता है. Now,
अब Romans chapter 7 teaches us something very important. रोमियो उसका सातवां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सिखाता है. It teaches us that the more you press the law upon an unconverted man, the more he'll fight against it and the more wicked he'll become. वो ये बताता है कि एक वो व्यक्ति जो परिवर्तित नहीं हुआ है, जितना अधिक आप उस पर व्यवस्था का दांव डालेंगे, वो इतना अधिक संघर्ष करेगा. Why does he do that? क्यों वो ऐसा कहता है? Because a wicked man hates righteousness. क्योंकि जो बुरा आदमी है, वो धार्मिकता से घृणा करता है. Now what's the greatest expression of God's righteousness? अब परमेश्वर की उस धार्मिकता का एक बड़ा प्रदर्शन क्या है? Not the law. व्यवस्था नहीं. The person of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में. So, have you ever heard someone say this? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को कहते सुना है? If we could just live like Jesus and show the world Jesus, they would all be converted. यदि हम यीशु के समान जी सकते थे या उसको यीशु को दिखा सकते थे, तो पूरा संसार मसीह बन जाता. That's not true. ये सत्य नहीं है. If you could live like Jesus, the world would crucify you. अगर आप यीशु के समान जिएंगे, संसार आपको क्रूस पर चढ़ा देगा. The sinner's heart is evil. और जो पापी का हृदय जो है, वो बुराई से भरा हुआ है. The more he sees of Jesus, जितना अधिक वो यीशु को देखता है, the more he will hate him. उतना अधिक वो उससे घृणा करेगा. And the more he'll fight against him. और वो उतना अधिक उससे उसका संग विरोध करेगा. He has an evil heart. उसके अंदर बुरा हृदय है. He has evil desires. उसके अंदर बुरी इच्छा है. And he does not desire Christ. और वो मसीह की इच्छा नहीं रखते, प्रति इच्छा नहीं रखता. So what must happen? अब क्या होना है? God must change the sinner's heart. परमेश्वर को पापी के हृदय को बदलना है. He must regenerate his heart. उसके हृदय को नया बनाना है. Give him a new heart. उसके हृदय को नया बनाना है. With righteous desires. उस धार्मिकता के लालसा के द्वारा. And when that new heart looks at Christ. और जब नया हृदय उस मसीह को देखता है. It wants him. वो उसको चाहेगा. It's drawn to him. वो उसकी ओर खींचेगा. Do you see that? आप देखते हैं. The Christian life. मसीह जीवन. Well, let me describe it in an illustration. मुझे इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने दीजिए. Let's say that I become the new pastor at the church. आप इस बात को सोचिए कि मैं एक कलीसिया का नया पासबन बना हूं. And as soon as I get there, they tell me I need to go visit Raj. और जैसे ही मैं पासबन उस चर्च में बनता हूं, वो मुझे कहते हैं कि आपको राजशेखर के यहां जाकर विजिट करना है. And I say why? मैंने कहा क्यों? They say Raj hasn't been in church in 5 years. कि 5 साल से वो कलीसिया में नहीं आए. And Raj has been getting drunk every night. और रोज वो दारू पी रहे हैं. And Raj has been going out with other women and committing adultery. और वो दूसरी स्त्री के साथ जा रहे हैं और व्यभिचार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं. He's a member of the church and you need to go visit him. वो कलीसिया के सदस्य हैं और उसको उसके पास आपको विजिट करना है. And so I go to his house. और मैं उसके घर में जाता हूं. And I say, Raj, मैं कहता हूं, राज, I'm the new pastor. मैं नया पासबन आया हूं. I hear that you haven't been in church for 5 years. और मैंने सुना है कि आप 5 साल से कलीसिया में नहीं आए. And he says, you're right, pastor. वो कहेगा, पासबन, आप सही हैं. He said, I just need to go to church. वो मुझे तो कलीसिया में जाने की आवश्यकता है. I just need to do the right thing. मुझे सही काम करने की जरूरत है. I need to stop playing soccer on Sunday and just go to church. मुझे संडे के दिन ये फुटबॉल खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे कलीसिया में जाना है. And then I say, Raj, I've been hearing that you get drunk every night. और मैं यहाँ आया हूँ, मैंने सुना है कि आप रोज रात को दारू पीते हैं. He says, you're right, pastor. आप सही हैं, पासबान. I just love that liquor. मैं उस दारू को बहुत पसंद करता हूँ. I love drinking with my friends. और मैं अपने दोस्तों साथ पीना पसंद करता हूँ. But I need to do what's right. लेकिन मैं I need to stop drinking. मैं यद्यपि मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उसको छोड़ना चाहता हूँ. And I need to just come to church and do what's right. मैं कलीसिया में आना चाहता हूँ, जो सही उसको करना चाहता हूँ. And I say, Raj, I hear you've been cheating on your wife. और मैं कहता हूँ, राज, तुमने अपनी पत्नी को साथ भी धोखा दिया है. He said, you're right, pastor. आप सही हैं. I just love women. मैं महिलाओं से प्यार करता हूँ. I love the wildlife. और मैं उन सारे प्रकार के जीवन को प्यार करता हूँ. But you're right. I need to stop doing that. मुझे मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सही हैं, मुझे छोड़ना है. And I just need to do the right thing. अब मुझे सही कार्य करना है. And so on Sunday. और दूसरे इतवार को. Raj comes to church. राज कलीसिया में आता है. And all the congregation says,
A sheep has come home, a lamb has come home. और तब पूरी कलीसिया कहती है भेड़ जो खोई थी वह घर वापस आ गई है. No. नहीं. A goat's come to church. वो भेड़ नहीं, मेमना नहीं, लेकिन बकरा आ गया है. Do you know what Raj is actually saying? आपको मालूम है कि राज वास्तव में क्या कह रहा है? He's saying, "You're right, Pastor." पास्टर आप आसमान आप सही हैं. I need to stop doing all the wicked things I love. कि जो कुछ भी बुरी चीजें जिनसे मैं प्यार करता था करता रहा उनको छोड़ना है. And I need to start doing all the righteous things I hate. और जो सारी धार्मिक बातों को जिनसे मैं घृणा करता था उनको मैं करना चाहता हूँ. His affections have not been changed. उसका अभी भी जो लगाव है बदला नहीं है. Because his heart has not been changed. क्योंकि उसका हृदय नहीं बदला है. Because he's unconverted. क्योंकि वो अभी परिवर्तित नहीं हुआ है. If he stopped doing all those wicked things, यदि वो सारी उन बुरी चीजों को करना बंद कर दे, रोक दे, and he came to church, और कलीसिया में आए, he would be like a wolf that we put in a cage. वो एक ऐसे भेड़े के समान होगा जिसको उसमें पिंजरे में डाला जाता है. He still is a wolf. वो अभी भी भेड़िया है. He still wants to eat sheep. वो अभी भी भेड़ों को खाना चाहता है. The only reason he does it, he's in a cage. वो इसीलिए वो उसपे पिंजरे में है. Raj still wants to be somewhere else other than church. वो अभी भी उसके अंदर में वो पुरानी इच्छा है कि कलीसिया जो बाहर रहे. He still wants to get drunk and chase women. वो अभी भी चाहता है नशा करे और किस औरतों के पास जाए. The only reason he doesn't is because he doesn't want to go to hell. वो केवल इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो नरक ना जाए. That's not Christianity. ये मसीहत नहीं है. And Raj is not saved. और राज बचा हुआ नहीं है. Do you see that? आप देख रहे हैं. If any man be in Christ, he's a new creature. यदि कोई मसीह में वो नई सृष्टि है. Old things pass away. सारी बातें बीत गईं. And new things have come. नई बातें आ गईं. Now let me try to finish up here really quick. Verse 27. 27 पद. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will be careful to observe my ordinances. और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे. He says, I will cause you or make you to walk in my commandments. वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने मार्गों में या अपनी आज्ञाओं में चलाने के योग्य बनाऊंगा. Now he doesn't do this by manipulating. वो किसी प्रकार से हमें चतुराई के साथ नहीं करना चाहता. Or by coercing you. या किसी तरह से दबाव के द्वारा नहीं करना चाहता. He does it because he's changed your heart. वो इसलिए क्योंकि आपका उसने हृदय बदल दिया है. And he has come to live inside you in the Holy Spirit. और अब वो आपके जीवन में आपके भीतर पवित्र आत्मा के रूप में रहने लगा है. Brother, if the Spirit of God is dwelling in your heart, you are going to change. भाइयो, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करता है, तो वो आपको परिवर्तित करेगा. The evidence that you are a son of God is that you are being led by the Spirit. ये इस प्रकार का इस बात का प्रमाण ये है कि आप परमेश्वर के संतान हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं. And you will grow in bearing the fruit of the Spirit. और पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करने के द्वारा आप इस बात को दिखाएंगे. Do you see now how powerful conversion is? कि आप देखते हैं कि इतना देख जो कन्वर्ट मन परिवर्तन करना है ये कितना अधिक शक्तिशाली है. Do Christians still sin? क्या मसीह अभी पाप करते हैं? Yes. जी हाँ. Can Christians fall into sin? क्या मसीह पाप में गिर जाते हैं? And even commit things that are very bad? जो वो सारी चीजें करते हैं जो बहुत बुरी हैं? Yes, they can. जी हाँ. But can they live in sin as a style of life? लेकिन क्या निरंतर वो अपने जीवन के एक प्रक्रिया बनाकर उसमें रह सकते हैं? Can they live all their life in worldliness and carnality? क्या वो उस संसारिकता में शारीरिकता में पूरे जीवन तक ऐसे जी सकते हैं? Never growing in holiness. कभी भी पवित्रता में ना बढ़े. Never bearing fruit. कभी वो फलों को उत्पन्न ना करें. Absolutely not. कभी नहीं ऐसा होगा. Because of the power of conversion. क्योंकि वो मन परिवर्तन की सामर्थ्य. Let's pray. आइए प्रार्थना करें.
Father, I pray that you would use this sermon to help us understand the power of conversion. हमारे पिता आप इस संदेश को हमारे जीवन में उपयोग करें ताकि हम मन परिवर्तन की सामर्थ्य को समझ सकें. That we would delight in your power. ताकि हम आपके सामर्थ्य में आनंदित हो सकें. That we would praise you. ताकि हम आपकी प्रशंसा कर सकें. And that we would teach people the truth. ताकि हम लोगों को आपके सत्य को सिखा सकें. And they would truly be changed. ताकि वो सचमुच में बदल परिवर्तित हो सकें. In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में, आमीन. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.